हाय स्टूडेंट, आज हम 5.1 का चौकोर सम से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन वेरीफाई करना कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम से तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर बड़े की साइड दो छोटे की साइड के इक्वल होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, वह राइट एंगल ट्राइंगल है, स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट वन डिस्टेंस पी क्यू फॉर्मूला भी राइट, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर पुट द वैल्यूज। आपको वैल्यू जब आपको ध्यान रखना, इसमें मैंने यहाँ टू रखा, टू ए माइनस माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू देन टू का स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। टू प्लस टू का स्क्वायर तो फोर का स्क्वायर, जीरो का फोर का स्क्वायर फोर्टीन, स्क्वायर रूट साइन हटा देंगे। तो पी आर के लिए ये पी आर लिया मैंने, तुमने टू लिखा, टू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस टू का स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर टू प्लस टू फोर सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी नाइन है। मैंने क्या फाइंड किया, क्यू आर, क्यू आर के लिए क्या टू माइनस टू माइनस सेवन माइनस टू, टू माइनस टू जीरो, सेवन माइनस टू फाइव, फाइव का ट्वेंटी फाइव। देखा है तो ये दोनों, ये बड़ी साइड है क्योंकि थर्टी सिक्स सिक्स के ऊपर है, तो ये बड़ी साइड बट ये दोनों को ऐड करेंगे नाइन आएगा, तो नाइन को एटी वन होगा। तो मतलब फिर भी मतलब ये दोनों की इक्वल नहीं है, मतलब डिस्टेंस या इक्वल नहीं है, जिस पे ये पॉइंट जो है वट आई से राइट एंगल ट्राइंगल के नहीं। तो आप समझिए पहला पॉइंट कौन से। अब नेक्स्ट आपको कौन सा करना है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव करना। फाइव में आपको दिया जैसे पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की और एस की वैल्यू दी। अब से डायग्राम बना तो बोला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए क्या चेक करना है, ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए और ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस इक्वल, अगर है तो आप बोल सकते हैं पैरेललोग्राम। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, डिस्टेंस पी क्यू। अब एक बार फॉर्मूला लिख दो, हाँ, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। मैंने एक्स ये दोनों लिया पी क्यू के लिए, तो बड़े नंबर सेवन माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस माइनस टू का स्क्वायर, टू माइनस प्लस फाइव का स्क्वायर टू फाइव, फाइव स्क्वायर फाइव स्क्वायर तो ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव रूट फिफ्टी मिलेगा आपको। नंबर वन डाल दिया। अब डिस्टेंस क्यू आर फाइंड किया मैंने, या चीज़ आप इसको साथ में फाइंड करो तो भी चलेगा। या डिस्टेंस क्यू आर के लिए मैंने ये लिया, तो इलेवन माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर, इलेवन माइनस सेवन फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फोर, माइनस फोर आएगा तो फोर का स्क्वायर क्या होगा सिक्सटीन, और यहाँ पे फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन इज थर्टी टू, करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एस आर, एस आर के लिए सेम बन गया, इलेवन माइनस सिक्स लिखा स्क्वायर और माइनस वन माइनस माइनस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस हो जाएगा तो प्लस सिक्स माइनस फाइव का स्क्वायर फाइव, फाइव का स्क्वायर फाइव स्क्वायर स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, मतलब फिफ्टी आएगा ये थर्टी क्वेश्चन। तो आप पी क्यू पी एस भी फाइंड करोगे तो सिक्स माइनस टू का स्क्वायर तो माइनस सिक्स माइनस टू का स्क्वायर फोर, ये प्लस टू होगा तो सिक्स प्लस टू माइनस सिक्स प्लस टू क्या होगा फोर होगा, फोर का स्क्वायर तो फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू। और आप देखो तो फ्रॉम वन टू, फ्रॉम वन टू थ्री फोर, व्हाट वी ऑब्जर्व डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस एस आर क्या है रूट फिफ्टी है, करेक्ट। एंड डिस्टेंस क्यू आर एंड डिस्टेंस एस पी क्या है आपका रूट थर्टी, देयरफॉर पॉइंट पी क्या देखा आपने वन टू थ्री फोर से डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस एस आर रूट फिफ्टी है, डिस्टेंस क्यू आर डिस्टेंस एस पी का रूट थर्टी टू है, पॉइंट पी क्यू आर एस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। अब ये क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि ये जो वर्टाइसेस है किसके वर्टाइसेस है, पैरेललोग्राम रोमबस, रोमबस मतलब सब साइड इक्वल होने चाहिए। मैंने कहाँ से स्टार्ट, ए बी से स्टार्ट, ए बी क्या लिया ये लिया, तो माइनस फोर माइनस वन माइनस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू माइनस माइनस सेवन का स्क्वायर, माइनस से प्लस हो जाएगा फोर माइनस वन थ्री का स्क्वायर, टू प्लस वन सेवन प्लस टू नाइन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन का स्क्वायर एटी वन और रूट नाइनटी पहला केस। मैंने बी सी फाइंड किया, इसके लिए मैंने एट माइनस माइनस वन लिखा स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू का स्क्वायर, तो एट प्लस वन हो जाएगा स्क्वायर प्लस फाइव प्लस माइनस टू थ्री का स्क्वायर, तो क्या होगा नाइन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर आता है नाइनटी आता है। सेकेंड में मैंने क्या फाइंड किया, सी डी एट माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा तो फाइव प्लस फोर नाइन हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर सेम नाइन्टी आपको मिलेगा, करेक्ट। लास्ट ऑफ फाइंड करिए फाइव माइनस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस माइनस सेवन, तो माइनस वन प्लस हो जाएगा तो माइनस फोर प्लस सेवन क्या आएगा आपका थ्री का स्क्वायर, फाइव प्लस फोर क्या नाइन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन का स्क्वायर नाइन्टी होता है। तो आप बोलोगे फ्रॉम वन टू एंड थ्री एंड फोर डिस्टेंस ए बी इसको डिस्टेंस बी सी इसको डिस्टेंस सी डी इसको डिस्टेंस डी एस को रूट नाइनटी, डेफर पार्टल ए बी सी डी आर दर पार्ट रोमबस विथ वर्टाइसेस ए बी
एंड सी एंड डी। सेवन क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन क्या दिया, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्टेंस डेल एम दिया आपको 10, डेल एम की वैल्यू, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस एल एम एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। डिस्टेंस एल एम पे 10 लिखा, वैल्यू लिखा एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सर माइनस 15 का स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड का, 10 का स्क्वायर होगा, ये रूट हट जाएगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस क्या होगा माइनस 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 64, ये यहाँ जाएगा 36 आएगा और एच डी से। अब इसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, ये रूट हट जाएगा, एक्स माइनस स्क्वायर हट जाएगा, एक्स माइनस वन बचेगा और किसका 6 का, तो माइनस वन यहाँ जाएगा प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 7। कोई डाउट? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 8th वाला क्वेश्चन। ये ट्रायंगल को मैं क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल क्या है, व्हाट किसके बारे में, एबीसी किसके बारे में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ए बी का फॉर्मूला, ए बी डिस्टेंस ए बी क्या फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अभी जब आप लिखोगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कह दिया इसको इसको साथ में, वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू माइनस सिक्स का स्क्वायर, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस सिक्स माइनस फोर, करेक्ट। तो माइनस फोर किसका स्क्वायर होगा, माइनस फोर का जो हमने यहाँ लिखा प्लस फोर का स्क्वायर लिख दिया, रूट हट जाएगा फोर, तो वन मिल गया। अभी ए बी सी फाइंड करना, बी सी ध्यान में कर लेगा, इसको आप पहले लिखो थोड़ा ईजी हो जाएगा, मैंने क्या लिखा वन प्लस रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस सिक्स का स्क्वायर, ये वन वन कट, तो टू रूट क्या बचेगा थ्री का स्क्वायर, फोर माइनस सिक्स माइनस टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, रूट थ्री हट जाएगा, तो फोर थ्री था 12, ऐसा होगा आपका ये टू इन टू रूट, मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा फोर, इसका स्क्वायर क्या होगा थ्री, इसका ऐसा स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर फोर होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा थ्री होगा, तो फोर थ्री का क्या हो जाएगा 12 लिखा और टू सॉरी 12 लिखा, टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो 12 प्लस फोर 16 किसका स्क्वायर है फोर का स्क्वायर, ओके। और एसी के लिए भी वही कर, पहले बड़े वाली चीज को लिखा, वन प्लस रूट टू माइनस वन प्लस फोर माइनस टू का स्क्वायर, तो वन वन कट, टू रूट थ्री का स्क्वायर, ओके, टू रूट थ्री का स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का थ्री, फोर थ्री का ट्वेल्व प्लस फोर 16 किसका स्क्वायर है फोर का, फर्स्ट में फोर दिख रहा है, सेकेंड में फोर दिख रहा है, थर्ड में फोर दिख रहा है, आप क्या लिखो, फ्रॉम वन टू थ्री, फ्रॉम वन टू एंड थ्री डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इज इक्वल डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू फोर, इफ ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल तो देयर फोर पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। तो फिर आपको कोई डाउट है, आपको यहाँ पे खाली क्या यूज करना, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना और कौन से आपका जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप कैसे जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऑल साइड आप इक्वल दिखाओगे, पैरेललोग्राम बोला तो अपोजिट साइड इक्वल दिखाओगे, रोम्बस बोला तो इक्विलेटरल बोला और रोम्बस बोला तो चार साइड इक्वल दिखाओगे, अगर बोला कि दो लाइन पैर इक्वल डिस्टेंस है तो क्या होगा उनका बीच का डिस्टेंस इक्वल दिखाओगे, करेक्ट, ओके। नाउ कैन सॉल्व द सम, सी द पेज वन टाइम दिस पेज, इफ यू वांट यू कैन मेक द क्लिक ऑफ दिस पेज, ओके, नेक्स्ट पेज इज ऑल्सो यू कैन, इफ यू वांट यू कैन टेक द क्लिक स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज फॉर सॉल्विंग दिस सम।